कचरे पे तुम रख दिखा रही। तो आज मेरा क्या है? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो अभी अम्मी बना रही हैं हमारे लिए खाना दोपहर का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फरीजादी। तो आप सभी का नए व्लॉग में स्वागत है और आज है मेरा खास दिन, मेरा बर्थडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल फरीजादी और आप सभी का स्वागत है। तो आज है मेरा जन्मदिन, मेरा बर्थडे। तो कमेंट में ज़रूर लिख देना हैप्पी बर्थडे टू मी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, अम्मी और बाजी तो दोनों बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा। अम्मी मेरी हेल्प करवाएंगी लेकिन बाजी आज नहीं करवाएंगी मेरी हेल्प। तो आज मैंने डिशेस सोच रखी थी पहले से ही, क्योंकि किसी के भी अगर बर्थडे होता है तो वो अपनी फरमाइशें पूरी करवाते हैं। तो आज मैं अपनी फरमाइश खुद ही पूरी करूँगी, वो भी अम्मी के साथ मिल के, जो कि अम्मी हर बार हमारे बर्थडे पर हमारे पसंदीदा खाना बनाती हैं तीनों बहन भाइयों के। और इसी तरीके से हम सेलिब्रेट कर लेते हैं बर्थडे पे। और क्या कहते हैं, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी हैदराबादी और रसमलाई। तो मैं आपको पूरी मेकिंग दिखाऊंगी और किस तरीके से मैंने बनाए हैं। तो आज मैं बहुत ही यूनिक तरीके से रसमलाई बनाने जा रही हूँ, तो जिसको मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं आज पनीर की रसमलाई बनाने जा रही हूँ। वैसे तो नॉर्मली दूध को फाड़ कर तब बनाई जाती है, तो बात वही पड़ जाती है, वो भी पनीर होता है और ये भी पनीर है, तो ये डेयरी का पनीर है। तो देखते हैं आज इसे कैसे बनती है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है यहाँ पे 350 ग्राम पनीर, क्योंकि मैं आज एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। वैसे तो रसमलाई बनाने के लिए घर पे ही दूध फाड़ा जाता है और फिर उसके बाद छेना से रसमलाई बनाई जाती है, लेकिन मैं आज पनीर से रसमलाई बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 350 ग्राम पनीर ले लिया है और इसके बाद मैं इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ और अपनी हथेली से इसको मैश करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मेरे को इसको ऐसे करने में काफ़ी मेहनत लगी थी और अम्मी और बाजी तो बहुत ही ज़्यादा बिजी थी दुकान पर, क्योंकि दुकान पे दो लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए काम खुद ही कर लूँ। फिर तो इसके बाद मेरी अम्मी ने और मेरी बाजी ने हेल्प करवा दी थी मेरी, मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पतीले में यहाँ पे पानी डाल लिया है, इसमें मैं इसमें पानी डाल लूँगी, क्योंकि चाशनी बनाने के लिए हमें पानी और चीनी चाहिए। और इसमें फिर ये बॉल्स बनके डालेंगे हम, क्योंकि मैंने बॉल्स टाइप में जैसे रसगुल्ले होते हैं उस तरीके से बनाई हैं। कोई कोई चपटी चपटी जैसे टिक्कियाँ होती हैं वैसे भी बना लेते हैं, लेकिन मैंने बॉल्स टाइप में बनाई हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले टिक्कियों के हिसाब से ही बनाई थी, जैसे टिक्कियाँ होती हैं जैसे कि नॉर्मली मतलब दोनों तरीके की दुकानों पर बिकती हैं, लेकिन मेरे को ज़्यादा सही ये रसगुल्ले वाली लगी, क्योंकि ये एकदम बन रही थी। तो यहाँ पे हमने पहले इसको बनाई और फिर इसको उबलते हुए पानी में डालना है हमें, ठंडे पानी में नहीं डालना है वरना हमारी छेना बॉल्स जो है मतलब पनीर की बॉल्स वो फट जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बॉईल हो रही है और इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी थी मुझे, काफ़ी समय भी, इतनी मेहनत तो नहीं लगी लेकिन समय बहुत लगा हर एक चीज़ को करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है, ये हमारा है बफेलो मिल्क, भैंस का दूध। तो हमारे घर पे रोज़ यही आता है और हमें सबको यही पसंद है, बहुत सालों से हम इसी भैंस का दूध पीते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध है कम से कम ये, और इसमें मैंने चीनी और ये 2 हरी इलायची डाल दी हैं। तो यहाँ पे जिसे जाफरान कहते हैं, मतलब उसे केसर भी कहते हैं और जाफरान भी कहते हैं, तो वो मैंने थोड़े से दूध में मिक्स करके और इसमें डाल दिया है ताकि येलोइश कलर आ जाए दूध में। और दूध को हमें कम से कम आधा घंटा मैक्सिमम मतलब चला धीमी आँच पर रखना है ताकि वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर दूध में ये देखिए अच्छे से खट्टा आने वाला है और तो मलाई नहीं जमने देनी हमें, इसको चलाते रहना है थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद हम इसमें अपने चीनी डालकर जितना हमें मतलब मीठा चाहिए उतना, और फिर उसके बाद हम इसमें अपने रसमलाई डाल देंगे और फिर 15 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी ये 350 ग्राम में इतनी सारी रसमलाई बन के तैयार हुई है, जो कि लगभग होंगी 750 ग्राम, क्योंकि दूध और रसमलाई दोनों को मिला के मतलब ज़्यादा 1 किलो तो हो ही गई होंगी ये लगभग।
तो यहाँ पर बस इसको मैं अब इस दूध में डाल दूंगी। तो मैंने केसर डाल दिया है इसमें और रसमलाई भी डाल दी है। तो अब बारी है चिकन बिरयानी की। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी चिकन ले लिया है और ये बोनलेस नहीं है, हम बोनलेस नहीं खाते हैं, मिक्स खाते हैं। हड्डी वाला और बोनलेस दोनों मिक्स रहता है, नॉर्मल चिकन है ये। और फिर इसके बाद हम ले लेंगे अपनी प्याज, क्योंकि मैंने 4 बड़ी साइज़ की प्याज ली है और उसको अच्छे से फाइन चॉप कर लिया है बारीक बारीक, क्योंकि हमें इसका बरिश्ता बनाना है। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल चला दिया है और उसके बाद मैं प्याज को अच्छे से ब्राउनिश कलर आने तक भून लूँगी। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर और कम से कम 7-8 हरी मिर्च ली हैं, जो कि मैं टमाटर को इस तरीके से बारीक चॉप कर लूँगी। और मिर्चियाँ मैंने ले ली हैं। तो यहाँ पे हमारी प्याज भून के तैयार हो चुकी हैं, जो कि देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इन पर, गोल्डन ब्राउन। और यहाँ पे चिकन ले लिया है, उसके बाद ये कुछ खड़े मसाले और तेल मैंने बचा लिया है, ये बाद में डलता है। तो इसके बाद ये प्याज वगैरह सारी चीज़ें अब मैरिनेशन में जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने तौलिया का गमछा ही बांध के अपने सर पर रख रखा है, क्योंकि मुझे दुपट्टे कोई बार बार गिर जाता है, फिसलन वाला होता है और कोई कैसा, तो इसलिए मैंने तौलिया ही रख रखी थी नहाते निकलते ही। और फिर इसके बाद मैं इसमें सारी मैरिनेशन का सामान डाल दूंगी, प्याज टमाटर मिर्ची अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मीट का मसाला का पैकेट, 2 चम्मच सौंफ, 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच भर के नमक। तो आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चिकन भुन के तैयार हो चुका है और अम्मी यहाँ पर मेरी हेल्प करवाने के लिए आ गई हैं। तो अम्मी ने यहाँ पे कुकर में चावल चढ़ा दिए हैं, हम पतीले में नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे जो कच्चे चावल होते हैं वो कुकर में बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे मेरी रसमलाई को सजाने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने बारीक बादाम काट कर इसमें डाल दिए हैं, और जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, आप सब भी बना के देख सकते हैं एक बार। और बस इसके बाद न्याज लगवा दूंगी मैं, क्योंकि अम्मी हम तीनों बहन भाइयों के बर्थडे पे हर बार न्याज ज़रूर लगवाती हैं। तो यहाँ पे बिरयानी की लेयर बाय लेयर कर दी है अम्मी ने और पतीले में डाल दिए हैं चावल और जो हमारे चिकन है दोनों। ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा हमारे घर में सबको पसंद है। तो यहाँ पे मेरे पापा दरूद और न्याज जिसे कहते हैं वो लगा रहे हैं, तो हम हर बार अपने बर्थडे पर और हर जुमरात को लगवाते हैं।